गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप। आज हम सीखेंगे कि एस्बेस्टोस पाइप क्या होती है, ये कैसे बनाई जाती है, इसकी कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं और किन किन कामों के लिए एस्बेस्टोस पाइप का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि एस्बेस्टोस पाइप है क्या। एस्बेस्टोस पाइप जो होते हैं उनको हम एस्बेस्टोस व सीमेंट के मिश्रण से बनाते हैं, मतलब सीमेंट और एस्बेस्टोस को मिलाया जाता है, तब जो हमारे एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप हैं वो बनाए जाते हैं। जो एस्बेस्टोस पाइप हैं उनको आकृति देने के लिए जब हम उनको शेप देते हैं तो जो स्टील के रोलर होते हैं, सांचे बने होते हैं, उसमें एस्बेस्टोस व सीमेंट को प्रेशराइज किया जाता है, जिससे एक गोल आकृति के एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप बनाए जाते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वह 2 से 4, मतलब 2 इंच से लेकर 4 फीट तक होता है। जो इसका व्यास, डायमीटर यानी व्यास है, वह 2 इंच से 4 फीट तक होता है। इन पाइपों पर चूड़ी बनाई जा सकती है। जो एस्बेस्टोस पाइप में स्क्रू जॉइंट लगता है उसमें कॉलर फिट करने पड़ते हैं। कॉलर फिट करने के लिए जो कॉलर होते हैं वो चूड़ी में कसे जाते हैं, तो इन पाइपों में चूड़ी भी बनाई जा सकती है। जो हमारी एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप है वो अम्लो व क्षारो यानी एसिड व अल्कलिन इन दोनों ही कुप्रभावों से मुक्त होती हैं। इनका कुप्रभाव इस पे बहुत कम पड़ता है या नहीं पड़ता है। यह पाइप जो होते हैं भंगूर होते हैं। जो हमारे एस्बेस्टोस पाइप सीमेंट पाइप है ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटलनेस का मतलब है कि इसमें लचीलापन नहीं होता है। जब इसमें सडन यानी अचानक भार पड़ता है तब ये टूट जाते हैं। इन पाइपों में अधिकांश सॉकेट व स्पाइगोट, जो सॉकेट स्पाइगोट ज्वाइंट है वह लगता है या कॉलर ज्वाइंट लगाया जाता है। जो हमारी एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप है इनका यूज हम कहाँ करते हैं, दूषित जल का निपटान व वर्षा जल का निपटान। तो जो हमारी एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स हैं इनका यूज हम करेंगे या तो दूषित जल के निपटान में या फिर वर्षा जल के निपटान में। पीने के पानी के लिए हम इन पाइपों का यूज नहीं करते हैं। जो हमारी एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप है उनको परीक्षण दाब जो है यानी टेस्टिंग प्रेशर जो है उसके अनुसार 5 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी 5 क्लासेस में बांटा गया है। जो 5 क्लासेस हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1 की। जो क्लास 1 है उसका टेस्ट प्रेशर रहता है 5 kg/cm², यानी पाइप के 1 cm² जो हिस्सा है उस पर 5 kg प्रेशर जो है वो लगना चाहिए। और इसका हेड का मतलब होता है ऊंचाई। इसको कितनी ऊंचाई के लिए हम यूज कर सकते हैं, 50 मीटर। जो हमारी क्लास 2 है उसमें जो टेस्टिंग प्रेशर रहेगा वह रहेगा 10 kg/cm² और उसका हेड रहेगा 100 मीटर। उसके बाद बात करें क्लास 3 की, तो क्लास 3 में जो टेस्टिंग प्रेशर है वह रहेगा 15 kg/cm² और जो इसका हाइट रहेगी यानी हेड रहेगा वह रहेगा 150 मीटर, 150 मीटर। जो हमारी क्लास 4 है उसमें जो हमारा टेस्ट प्रेशर रहता है वह रहता है 20 kg/cm² और जो हमारा हेड रहता है वह रहता है 200 मीटर यानी 200 मीटर। क्लास 5 में हमारा टेस्ट प्रेशर रहता है 25 kg/cm² यानी जितनी भी बड़ी पाइप हो उसका जो 1 cm² भाग है, 1 cm² जो भाग है उसमें प्रेशर लगना चाहिए 25 kg और इसका हेड रहता है 250 मीटर। इसमें पर सेंटीमीटर स्क्वेयर का एक बार आपको अच्छे से मैं बता देता हूं। मान के चलो ये हमारे पास एक पाइप है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और इसका डायमीटर है 25 cm। तो वो डायमीटर तो एक जगह से है इसकी गोलाई, मतलब 25 cm। अब इसकी लंबाई भी है तो लंबाई भी सेंटीमीटर में। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम पाइप के सरफेस का एरिया निकालते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं पाइप सरफेस के एरिए से। अगर आपको इसमें टफ हो रहा है तो आपको मैं स्क्वेयर का एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे ये हमारे पास स्क्वेयर है, इसकी लेंथ है हमारे पास 15 cm और इसकी ऊंचाई जो है वह है फिर से 15 cm। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 15 × 15 cm, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 225 स्क्वेयर सेंटीमीटर। 225
सेंटीमीटर स्क्वेयर, मतलब टोटल हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऐसे ही पाइप का एरिया होगा, तो टोटल पाइप का जो एरिया है तो उसका जो एक सेंटीमीटर स्क्वेयर भाग है, इसमें मान के चलो इतना भाग जो है वो एक सेंटीमीटर स्क्वेयर है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस पे जो दाग लगना चाहिए वह क्लास वन में 5 किलोग्राम, क्लास टू में 10 किलोग्राम, क्लास थ्री में 15 किलोग्राम, क्लास फोर में 20 किलोग्राम और क्लास फाइव में 25 किलोग्राम, सिर्फ एक सेंटीमीटर स्क्वेयर पे। ऐसे जितनी पाइप आपकी बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पाइप का जो सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं, तब ये हमारा जो टेस्ट प्रेशर है सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लास वन में 500 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर के लिए, यहाँ इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको जितना एरिया है हमारा ये सिर्फ कितना है एक सेंटीमीटर स्क्वेयर का है। तो जितने हमारे सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया होगा पाइप का सरफेस एरिया, उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टेस्टिंग प्रेशर को। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस्बेस्टोस पाइप। जो हमारी एस्बेस्टोस पाइप है वह कितने प्रकार की होती है, तो इसको हमने दो श्रेणियों में बांट रखा हुआ है, कॉन्स्टेंट आउटसाइड डायमीटर पाइप और कॉन्स्टेंट इनसाइड डायमीटर पाइप। कॉन्स्टेंट मतलब होता है एक समान, तो जो हमारी फर्स्ट पहली कैटेगरी है इसमें कॉन्स्टेंट आउटसाइड डायमीटर पाइप, मतलब उसका बाहरी व्यास जो है पाइप का वो कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे यह हमारी पाइप है तो इसका बाहरी व्यास जो है वह एक समान रहेगा और यह डिपेंड करेगा बाल्ब के साइज के ऊपर, ऐसे बाल्ब जो इस पाइप में लगने हैं। अगर बाल्ब का साइज फॉर एग्जाम्पल हमने मान यहां पे डिस्कस किया ये पाइपें 2 इंच से लेके 4 फीट तक मोटाई में बनती हैं, व्यास में बनती हैं। अगर बाल्ब का साइज है 4 इंच, एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर बाल्ब का साइज 4 इंच है तो कॉन्स्टेंट आउटसाइड डायमीटर पाइप जो है इसका बाहरी डायमीटर सारी पाइपों का क्या होगा 4 इंच होगा। बदलाव किसमें होगा, आंतरिक डायमीटर में। जैसे ये हमारी नेक्स्ट पाइप है जो इस बाल्ब से जोड़ी जानी है, तो इसका भी बाहरी डायमीटर तो सेम है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है हमने प्रेशर बढ़ाना है तो हम रिड्यूसर लगा के पाइप की छोटी कर देते हैं, इसमें क्या होगा आउटसाइड डायमीटर हम नहीं छेड़ेंगे, बदलाव किसमें करेंगे आंतरिक डायमीटर में इसके, तो आंतरिक बाहरी सरफेस एरिया इतना रहने देंगे। अब इसमें देखो आंतरिक डायमीटर है ये डी आई डायमीटर इनसाइड, तो दूसरी पाइप का डी आई जो होगा उसको हम कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, इस पाइप की जो मोटाई है उसके मुकाबले जो हमारी सेकंड पाइप है इसकी मोटाई को हम बढ़ा लेंगे। अब पाइप की मोटाई बढ़ने से क्या होगा आंतरिक डायमीटर घट जाएगा लेकिन बाहरी डायमीटर एक समान रहेगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमें बाल्ब के साइज जो है उनमें जब जोड़ते हैं हम पाइपों को तब दिक्कत ना आए। हमने जो भी अल्ट्रेशन करनी है वह इनसाइड डायमीटर में करेंगे, आउटसाइड डायमीटर हमारा एक समान रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टेंट इनसाइड डायमीटर, कॉन्स्टेंट इनसाइड डायमीटर। अब इसमें क्या होगा, हमारा बाहरी डायमीटर जो चेंज हो सकता है लेकिन जो आंतरिक डाया है वह चेंज नहीं होगा। अब हमारा चेंजेस किसमें आएगी, बाहरी डाया में, लेकिन आंतर का जो आंतरिक व्यास है वह नहीं चेंज होगा। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक समान। फर्स्ट केस में क्या था, कॉन्स्टेंट आउटसाइड डायमीटर पाइप, मतलब बाहरी डाया एक जैसा, और आंतरिक में हम चेंज कर सकते हैं हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, ताकि हमें बाल्ब का साइज जो है वो बार बार ना बदलना पड़े। जो हमारे फर्स्ट केस में फिटिंगें जहां तक लगती हैं वह हमारे शॉकेट टाइप कपलर लगते हैं, क्योंकि एक साइज के हैं तो शॉकेट टाइप कपलर हमारे लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड केस है इसमें हमारे अलग अलग साइज के बाल और अलग अलग साइज की फिटिंगें लगती हैं, क्योंकि आउटसाइड डायमीटर जो है वह बदल जाएगा। जब भी पाइपें एक दूसरे से जोड़ी जाती हैं तो उसमें इनसाइड डायमीटर का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, ज्यादातर हमारे जोड़ जो है बाहरी डाया में लगते हैं। इनसाइड डायमीटर में जब हमने फीमेल सॉकेट यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे जॉइंट है वह बाहरी डाया में लगते हैं,
इसलिए जो हमारा सेकंड केस है कांस्टेंट इनसाइड डायमीटर पाइप, तो इसमें बाहरी व्यास में बदलाव होता है, आंतरिक में नहीं होता। तो इसलिए इन पाइपों को जोड़ने के लिए हमारे जो कपलर, जो हमारी फिटिंग्स है, उनके साइज अलग अलग तरह के होंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एस्बेस्टोस पाइप। अब हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि ज्वाइंट्स फॉर एस्बेस्टोस पाइप, जो हमारे एस्बेस्टोस पाइप्स हैं उनको जोड़ने के लिए ज्वाइंट्स फॉर एस्बेस्टोस पाइप, हमारी जो एस्बेस्टोस पाइप है उनको जोड़ने के लिए हम किन किन जोड़ों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास, जैसे जो भी हमारी आरसीसी पाइप है, एस्बेस्टोस पाइप है, कास्ट आयरन पाइप है, इनमें एक जॉइंट कॉमन लगता है, वह है सॉकेट एंड स्पाइवोट जॉइंट। तो मोस्ट पॉपुलर जॉइंट जो है इन पाइपों का वह है सॉकेट एंड स्पाइवोट जॉइंट। सॉकेट एंड स्पाइवोट जॉइंट। अब सॉकेट एंड स्पाइवोट जॉइंट होता कैसा है, इसमें हमारी जो पाइप है उसके एक सिरे को हम सॉकेट टाइप बनाते हैं और दूसरे को स्पाइवोट जॉइंट बनाते हैं, टाइप बनाते हैं। दिखने में ये कैसा होगा, ये हमारी प्लेन पाइप है। जब हमने सॉकेट एंड स्पाइवोट जॉइंट लगाना है तब पाइप का हमारा एक सिरा इस तरीके से, सॉकेट के अनुसार बनाया जाएगा, जैसे सॉकेट का मुंह होता है चौड़ा थोड़ा, और दूसरा हमारा प्लेन जो है इसको हम बोलते हैं स्पाइवोट एंड। ये है हमारा स्पाइवोट एंड, और ये है हमारा सॉकेट एंड। इसीलिए इस जोड़ को हम सॉकेट एंड स्पाइवोट जोड़ बोलते हैं। जब हमने इसमें पाइप जोड़नी है तो हमारी जो दूसरी पाइप होगी वह इस तरीके से इसमें फिट होगी। अब ये हमारी एक पाइप हो गई, ये हमारी सेकंड पाइप हो गई। तो फर्स्ट पाइप का जो हमारा स्पाइवोट एंड है दूसरी पाइप के किसमें चला जाएगा, सॉकेट एंड में। अब एक बात का ध्यान रखना है डायरेक्शन का, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर हमारा जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है इस साइड से इस साइड को फ्लो कर रहा है तो हमारा इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो क्या होगा, लीकेज के चांसेस बढ़ेंगे। कभी भी ध्यान रखना जिस साइड को हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उस साइड हमारा आएगा सॉकेट एंड, ताकि हमारा पाइवोट एंड जो है दूसरी पाइप के सॉकेट एंड में चला जाए और ये लेंथ जो है काफी लेंथ इसमें ओवरलैप हो जाएगी, जिससे हमारा लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये जॉइंट हम यहीं नहीं छोड़ देंगे कि पाइप का एंड दूसरी में डाला और छोड़ दिया, इसमें हम क्या करते हैं जूट की पैकिंग देते हैं ताकि लीकेज ना हो। इस पाइप जो हमारा प्लेन है, प्लेन एंड है जिसको हम स्पाइवोट एंड बोलते हैं, इसके ऊपर हम जूट को लपेटते हैं, अराउंड जूट लपेटा जाएगा ताकि लीकेज ना हो। जब हम कास्ट आयरन का जोड़ लगाते हैं तब हम इसमें भरते हैं लेड, इस जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए, और इसमें एक बेल्ट टाइप जॉइंट बनाने के लिए हम इसमें लेड भर देते हैं। लेकिन जब हमारी सॉकेट एंड स्पाइवोट जोड़ हम लगाएंगे एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप में तब इसमें हम भरेंगे सीमेंट, लेड की जगह इसमें क्या भर देंगे सीमेंट। अगर हमें लगता है कि कहीं लीकेज के चांसेस हो सकते हैं तब हम इसमें रबर गास्केट का भी यूज कर सकते हैं, रबर गास्केट का यूज भी हम करेंगे जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए। तो यह है हमारा सॉकेट एंड स्पाइवोट जॉइंट, जो फर्स्ट कैटेगरी का जॉइंट लगता है इसमें हमारे एस्बेस्टोस पाइप में,
हमारा जो इसमें सेकंड जॉइंट लगता है वह है कॉलर जॉइंट। जो दूसरा जोड़ इसमें लगेगा कॉलर जॉइंट। अब कॉलर जॉइंट जो लगते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप में वह दो तरह के लगते हैं। एक में तो हम फ्लैंज यूज करते हैं और दूसरे में हम फ्लैंज यूज नहीं करते हैं। जिसमें हम फ्लैंज यूज नहीं करेंगे उस कॉलर जॉइंट को यहां मैं आपको बनाकर बताता हूं, डायग्राम उसकी बनाता हूं कैसे होगा। इसमें पाइप के दोनों एंड कैसे रहेंगे, प्लेन रहेंगे। इस तरीके से जब हमारे ये जॉइंट बन जाएंगे तो इसको कॉलर लगाएंगे। इस पाइप से थोड़ा सा बड़े साइज का रिंग होगा, वो हमारा सीमेंट से बना हुआ हो सकता है या फिर एस्बेस्टोस सीमेंट से बना हुआ हो सकता है, मतलब सीमेंट कंक्रीट या एस्बेस्टोस सीमेंट दोनों में से किसी भी चीज का हो सकता है। वह इस तरीके से इन पाइपों के सराउंडिंग में मतलब चारों तरफ चला जाएगा। इसको हम यूज कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पाइप है, इस रिंग को हम इस तरीके से पहले ही इसमें डाल देंगे एक पाइप में, और इस रिंग को थोड़ा सा हम इस साइड ले आएंगे कॉलर को, जो रिंग है वो हमारी कॉलर है। दूसरी पाइप हम जब यहां जोड़ देंगे इस तरीके से, तब इस कॉलर को हम थोड़ा इस साइड को खिसका देंगे आधा आधा, ये दोनों पाइपों में आधा इस पाइप को कवर कर लेगा आधा इस पाइप को कवर कर लेगा। और जो ये गैप बच रहा है, ये वाला गैप, इस गैप में हम क्या भर देंगे, सीमेंट मोर्टार। इसमें 1:1 सीमेंट मोर्टार भरेंगे, मतलब एक भाग रेत एक भाग सीमेंट, उसको इसमें अच्छी तरह भर देंगे। स्प्लैश स्टिक या फिर हम लकड़ी की बनी हुई स्प्लैश स्टिक इसमें यूज करेंगे अच्छी तरह भराई के लिए, ताकि सीमेंट हर जगह पहुंच जाए और हमारा जॉइंट लीक प्रूफ बन जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कॉलर जॉइंट लगाने के लिए हम, अगर हमें लगता है कि कोई हमारा ऐसा लिक्विड है जिसमें जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, मतलब जो बहुत जिसमें जो गाढ़ापन है बहुत कम है, पतला लिक्विड है, तब हम एक इसमें और थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। जो हमारा प्लेन एंड होगा उसमें हम ऐसे हल्का सा ग्रुप रख सकते हैं। ये ग्रुप रखेंगे दूसरी पाइप में भी, इस तरह का ग्रूव रखेंगे। तो जब ये हम पाइपों को आपस में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पे एक डिप्रेशन बन रहा है। ये डिप्रेशन आपको विजिबल होगा, ये जो चीज यहां पे बन रही है ये डिप्रेशन है। ये किस चीज के लिए है? अब इस जगह भी हम जूट की बैठ सकते हैं, जूट की रोप भी बैठ सकते हैं, या फिर हम बाशर का यूज, रबर गास्केट जो है उसका यूज कर सकते हैं, जो इस ग्रूव में अच्छी तरह से फिट हो जाएगी। अब जोड़ हमारा यहां था, इस जगह हमारा जोड़ था, बाशर क्या करेगी दोनों जोड़ के बीच में फिट हो जाएगी, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, दोबारा कॉलर। कॉलर लगने से क्या होगा, हमारा जॉइंट जो है बन जाएगा, और या हम जूट लपेटेंगे या फिर रबर गास्केट लगाने से ये हमारा लीक प्रूफ बन जाएगा। तो ये तो हो गए दो कैटेगरी हमारी इसमें एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप में जॉइंट की, एक सॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट, दूसरा कॉलर जॉइंट। इसमें जो थर्ड जॉइंट लगता है वह लगता है एस्बेस्टोस एस्बेस्टोस सीमेंट स्क्रू जॉइंट। एस्बेस्टोस सीमेंट स्क्रू जॉइंट ये हमारे कॉलर जॉइंट की तरह होगा। इसमें कॉलर तो लगता है लेकिन पहले हमारे फ्लैंग लगेंगे। इसमें पाइप के सिरे में चूड़ी बनाई जाएगी, ऐसे चूड़ी बनाई जाएगी, और हमारे पास चूड़ीदार कास्ट आयरन के फ्लैंज होंगे जो यहां पे कस दिए जाएंगे। ऐसे दोनों पाइपों में
फ्लैंज कस लिए जाएंगे और उन पाइपों को जैसे हमारा फ्लैंज जोड़ लगता है वैसे भी हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बीच में रबर कास्केट रख के कॉलर रखेंगे और आपस में इनको जोड़ देंगे। तो ये तीन तरह के जॉइंट जो है हमारे एस्बेस्टोस सीमेंट में लगते हैं। इसमें जो मेन लगने वाला हमारा जॉइंट है वह सॉकेट एंड स्पाइकबोर्ड जॉइंट, और दूसरा मोस्ट पॉपुलर जॉइंट हमारा कॉलर जॉइंट है। जो थर्ड हमारी कैटेगरी है ये ज्यादा नहीं लगता है। तो ये था हमारा एस्बेस्टोस पाइप क्या होती है, जिसमें हमने इसको ब्रीफली पढ़ा कि कैसे ये बनती है। सीमेंट और एस्बेस्टोस को मिलाया जाता है, उनको स्टील रोलर में कंप्रेस किया जाता है उसकी एक आकृति देने के लिए। उसके बाद इसका जो व्यास है वो 2 से 4 इंच रखा जाता है। इस पर चूड़ियां बनाई जा सकती हैं, इस पर जो वायुमंडलीय कुप्रभाव है वो भी कम पड़ते हैं, और जो हमारे अम्ल और क्षार होते हैं मतलब ऐसे लिक्विड जो अल्किन है अल्कलाइन है या फिर एसिडिक है उनका प्रभाव भी इन पाइपों पर कम पड़ता है। यह पाइपें हमारी ब्रिटल होती हैं, ब्रिटल मतलब भंगुर होती हैं, और अगर इस पर अचानक लोड पड़ता है, अचानक दबाव पड़ता है, जब भार पड़ता है तब इनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको जोड़ने के लिए हम सॉकेट व स्पाइकबोर्ड जॉइंट या फिर कॉलर जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इन पाइपों का उपयोग हम वर्षा जल के निपटान में या फिर गंदे दूषित जल के निपटान में करते हैं, जो हमारे वॉशरूम इत्यादि का जल होता है उसके निपटान में भी इसका यूज हम करते हैं। इसकी टेस्ट प्रेशर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है 3-5 प्रकार की, Class 1, 2, 3, 4 and 5, और उनके टेस्टिंग प्रेशर हमने सीखे। क्लास 1 के लिए 5 kg/cm², क्लास 2 के लिए 10 kg/cm², क्लास 3 के लिए 15 kg/cm², और क्लास 4 के लिए 20 kg/cm², क्लास 5 के लिए 25 kg/cm². टाइप्स ऑफ एस्बेस्टोस पाइप पढ़ा हमने, कॉन्स्टेंट इनसाइड डायमीटर पाइप और कॉन्स्टेंट आउटसाइड डायमीटर पाइप, ये क्या होती है उसके बारे में जाना, और इन पाइपों को लगने वाले जॉइंट्स के बारे में आज हमने जाना है। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ सा जान लेते हैं कि जो हमारी एस्बेस्टोस पाइप्स हैं इनकी लाभ और हानियां क्या हैं। तो अगर हम बात करें लाभ की तो ये पाइप आरसीसी पाइप के मुकाबले हल्के होते हैं। एस्बेस्टोस पाइप जो है आरसीसी पाइप के मुकाबले हल्की होती है, इनको बनाना आसान होता है, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है ऑन साइट या ऑफ साइट कहीं भी हो सकती है, मतलब इसको हम फैक्ट्री में भी बना सकते हैं या ऑन साइट भी। अगर इसका जो प्लांट है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, अगर हम चाहें तो इसको ऑन साइट भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी एस्बेस्टोस पाइप्स हैं इन पर जैसे मैंने आपको बताया जंग नहीं लगता है, और ना तो इस पे अम्लों का प्रभाव पड़ेगा ना इस पे क्षारों का प्रभाव पड़ेगा, तो उस लिहाज से भी ये अच्छे पाइप माने जाते हैं। इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, इसकी जो समय अवधि है जो इसका लाइफ है वह भी लंबी है। इसकी आंतरिक सतह जो है मुलायम होती है, जिस पे घर्षण का प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। अगर हम बात करें एस्बेस्टोस पाइप की हानियों की, तो हानियों में यह पाइप भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इसलिए इनके टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसको अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तब इसको बहुत ध्यान से ले जाना पड़ता है, अदरवाइज इसके टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। जब इन पाइपों को हम बिछाते हैं इनकी लेइंग करते हैं तब भी इसका लेइंग जो है बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। अगर हम इनकी फिटिंग इनको फिट करने के लिए ज़्यादा जोर लगा देते हैं या इस पर हैमरिंग वगैरह कर देते हैं तब भी ये पाइपें जो हैं टूट जाती हैं। इन पाइपों का यूज़ हम पीने के पानी के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण ये पानी को दुष्प्रभाव मतलब दूषित कर देती हैं, इसलिए हम इन पाइपों का यूज़ पीने के पानी में नहीं करते। इन पाइपों का यूज़ हम करते हैं सिर्फ वर्षा जल के निपटान में या फिर जो हमारा दूषित जल है उसके निपटान में। ये जो पाइपें हैं इनकी मरम्मत जो है खर्चीली होती है, मतलब एक बार जब हमने इनको इंस्टॉल कर दिया दोबारा अगर हम इसमें कोई रिपेयर वर्क करते हैं तो वह इसका खर्चीला रहता है। इन पाइपों से ब्रांच लाइन जो ले जाना है वह भी मुश्किल रहता है, इसलिए आरसीसी पाइप की तरह इन पाइपों को भी हम मेन पाइपों के रूप में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके जो ब्रांच कनेक्शन होते हैं वो थोड़े से टफ रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे कि आरसीसी पाइप और एस्बेस्टोस पाइप का संरेखण कैसे करते हैं। संरेखण का मतलब होता है अलाइंसमेंट, मतलब जब हम इनको बिछाते हैं
तो कैसे इसकी अलाइनमेंट देखते हैं, कैसे इसका ग्रेड देखते हैं, मतलब स्लोप देखते हैं, तो उन दोनों विषयों के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।